रही है खत्म, और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है 65+ का, अभी जो पहले दौर और सारे जो योगदान लोगों के मिल रहे हैं उसमें लग रहा है कि हम लोग लक्ष्य के कभी काफ़ी करीब होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। काफ़ी करीब है कि लक्ष्य को अपने अचीव करेंगे? नहीं नहीं, अचीव करेंगे। सर, आपके खिलाफ युवा महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? महापौर चुनाव लड़ रहा है, लोग देखेंगे महापौर के भी 3 साल का कार्य और हमारे 5 साल का कार्य, उसकी तुलना करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव तुलनात्मक जो बेहतर होता है उसका लोग चुनाव करते हैं। ये अच्छा है कि 3 साल महापौर ने भी जो कार्य किया है उसका और हमारे कार्य की तुलना होगी। यह आपके परंपरागत प्रतिद्वंदी अब इस बार नहीं है, हाँ उसका क्या? देखो, कांग्रेस पार्टी अपना जिसे प्रत्याशी के लिए, वो कांग्रेस पार्टी का है। यहाँ पर हमारे परंपरागत प्रतिद्वंदी के रूप में तो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए हम उस पार्टी के प्रतिद्वंदी कौन होगा, कांग्रेस कौन होगा। सर, भाजपा में पहली बार प्रत्याशियों के चयन को लेकर के विरोध की स्थिति बन रही है, इसे किस रूप में देख रहे हैं? तो पहली बार नहीं, राजी नाराजी होती रहती है। कितना परिवर्तन देखने को मिला इन 14-15 साल का चौथी पारी का विकास कर? विकास कार्य जब छत्तीसगढ़ बना था तब हमारे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आपके लैंड ऑर्डर में हो, हर मामले में चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सारे सेक्टर में पीछे थी। और इन 15 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, इन सारे सेक्टर्स में जो इंडेक्स हमारे थे वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। और इसलिए जो एक हमारी कल्पना है आने वाले 2025 में जो अटल दृष्टि पत्र के अनुसार कि छत्तीसगढ़ देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, तो उस दिशा में आने के लिए ये चौथी बार भी हमारी सरकार इस बार फिर बनेगी। और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने सपना देखा है कि इसे देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे, और मुझे लगता है कि वो पूरा होगा। डेंगू जो हुआ उसमें मूलतः नगर निगम के महापौर की लापरवाही रही है, और इसका प्रमाण ये है कि स्वयं कांग्रेस के लोग उस समय प्रदर्शन करके कह रहे थे कि नगर निगम इसमें फेल हुआ है। शासन के तरफ से डेंगू के मरीजों को कैसे अधिकतम चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए शासन ने हर संभव प्रयास किया। और शायद ये देश में पहली बार हुआ कि डेंगू के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा दे करके 6,000 मरीजों को लगभग इंडोर में हमने ठीक किया, 20,000 के आसपास आउटडोर ठीक किया, फ्री उनके टेस्टिंग के कारण हजारों लोगों ने अपना टेस्ट करा करके जो उनके दिमाग में एक पैनिक वातावरण बन गया था उससे उन्होंने काफ़ी राहत महसूस की। नगर निगम का जिम्मेदारी जो कांग्रेस बोल रही थी, शासन ने तो कमिश्नर को हटा करके जिम्मेदारी तय कर दिया है, अब जनता की बारी है जो महापौर को मत के माध्यम से हटा करके उस डेंगू की जिम्मेदारी तय करेगी। सर, वैशाली नगर की टिकट को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है, कुछ लोगों ने इस्तीफे भी दिए।